One of the top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. विजयदशमी का दिन है और रावण दहन और कुंभकर्ण दहन और मेघनाथ का दहन की तैयारी चल रही है। आप देख सकते हैं कि कारीगर जो है ये जो पुतला है ये रावण का पुतला है जो कारीगर आप देख रहे हैं कि पुतला बना रहा है, तैयारी की जा रही है। और तकरीबन अगर बात की जाए तो यहाँ जो है लाल दिल्ली का जो लाल किला है, केंद्र जो है कुछ नाम की समिति है जो ये रामलीला कराती है, उसी को लेकर जो है अभी भी लगातार आप देख रहे हैं कि तीनों की जो है पुतले बनाए जा रहे हैं। और कल की तैयारी को लेकर काफ़ी इंतज़ाम भी किए गए हैं कि जिस तरह से अगर बात की जाए तो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो है तकरीबन 1000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी यहाँ तैनात होंगे और भीड़ को देखते हुए यहाँ दमकल की गाड़ियाँ भी मौजूद होंगी। और अगर बात करते हैं वहीं तो अभी देखिए जिस तरह से जो है पुतले को लेकर डिज़ाइन बनाया जा रहा है, किस तरह से तैयारी की जा रही है आप देख सकते हैं। वहीं हम बात करते हैं कि यहाँ के जो पुतला बनाने वाले हैं हमारे साथ सर, पुतले की तैयारी की जा रही है, कल विजयदशमी का दिन है। जी जी जी, किस तरह की तैयारी है, कितने फुट का पुतला है? पुतला लोकुश रामलीला कमेटी लाल किला मैदान में 85 फुट का रावण, 80 फुट का कुंभकर्ण और 75 फुट का मेघनाथ। रावण के पुतले में मुंह से आग निकलेगी, हमने नाभि में उसकी लगाया, आपके बार नया आइटम आतिशबाजी से खून निकलता नजर आएगा और मुंह हमने चलता बनाया है। किस मतलब अगर बात करते हैं तो पहले के मुताबिक इसमें काफ़ी बदलाव किए होंगे? बदलाव करा है बहुत, लेकिन महंगाई होने के कारण बहुत दिक्कत आ रही है। पेंट महंगा हो गया, पेपर सारा कलर पेपर महंगा हो गया, बांस पे GST लग गई, सुतली पे GST लग गई, इससे बहुत नुकसान हो रहा जी। और घर से पैसे लग रहे हैं हमारी जेब से, ठेका ले लिए ना, अब कैसे करेंगे जी। बिल्कुल साफ कहा इन्होंने कि GST को लेकर भी जो है काफ़ी पुतला जो है महंगा बनता दिखाई दे रहा है। वहीं इनका ये भी कहना है कि ये तकरीबन जो है इसमें जो एक ऐसा पुतला बनाया जा रहा है जो कि अगर राम अगर तीर छोड़ेंगे और नाग पे अगर तीर लगेगा तो खून बहता दिखाई देगा। ये बिल्कुल नया तकनीकी, और जिस तरह से बोलते हैं कि रामलीला में यहाँ ये जो रामलीला है ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। यहाँ जो है अभिनेता यहाँ अपना किरदार निभाते हैं। इस अगर बात की जाए तो यहाँ आजम मलिक का भी ये कहना है कि इस पुतले में खास बात यह है कि जो ये पुतला है ये इसका मुंह रावण का जो है मुंह चलता दिखाई देगा। आखिरकार इस पुतले में खासियत यही है कि आखिरकार जो तीर जो है ना उस पर पेट में लगेगा उस वहाँ से खून निकलेगा। तो देखने वाली बात ये होगी कि लोगों को कितना दर्शाता है रावण दहन। कैमरामैन लोकेश के साथ रोहित शर्मा, 10 न्यूज़ दिल्ली।